हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी में वेक इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट कोड 721 जो कि JBT टीचर की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड था। तो आज उसी केस में जो है सर जो डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है उसकी तरफ से सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को एक लेटर गया है। उसमें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जो भी जो रिव्यू पिटीशन जो थी सरकार के द्वारा लगाई गई थी और उसमें जो कोर्ट के द्वारा जो डिसीज़न दिया गया था वो इसमें लिखा गया है। आप ये पढ़ सकते हैं जो कि हाइलाइटेड वर्ड्स में है। ये जो जजमेंट आई थी 29/7/2022 को आई थी कोर्ट के द्वारा, जो ऑर्डर पास किए गए थे। तो उस हिसाब से अब गवर्नमेंट ने जो आज ये लेटर भेजा है 5 अगस्त को, आप डेट पढ़ सकते थे ऊपर, 5 अगस्त को भेजा है। तो इस लेटर में ये कहा गया है कि जो भी अब नेसेसरी डिसीज़न है, पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर कि जो भी कोर्ट हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किए हैं उस पर जो भी नेसेसरी डिसीज़न लेना है वो आप कमीशन को लेना है कि किस तरह से वो ये भर्ती आगे करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक फर्दर एक्शन इन दिस मैटर। और इसमें सरकार ने जो है कॉपीज़ भेजी है हाई कोर्ट ऑर्डर की, और उसके साथ ही जो NCT की नोटिफिकेशन थी 28 जून 2018 की वो भी भेजी है। तो ये लेटर जो है 5 अगस्त 2022 को गया है। और इसके साथ ही आपने आज अखबार में पढ़ा होगा कि उसमें लिखा गया था कि 617 जो पोस्ट थी इसमें पोस्ट कोड 721 में, उसमें 617 जो पोस्ट है उसका रिज़ल्ट जो है वो जल्दी निकलने वाला है। तो उस हिसाब से अब जो लग रहा है कि जो JBT का जो रिज़ल्ट है वो 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, और उसमें अब देखते हैं कि BEd वाले को इंक्लूड किया जाता है या नहीं। लेकिन जो अखबार में पढ़ने को मिला उसमें कहा गया था कि जो JBT वाले हैं वो तो इंक्लूड होंगे ही, लेकिन जो BEd वालों के पास JBT का टेट होगा उनको भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो अभी देखते हैं कितने लोगों के पास JBT का टेट होता है। और नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो JBT जो और BEd का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसी से रिलेटेड जो अब जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज डेट भी आ चुकी है जिसमें 17 अगस्त की डेट दी गई है। तो आप ये पढ़ सकते हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा ये सब SLP लगाई गई थी अगेंस्ट जो राजस्थान का हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी उसके अगेंस्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पिछली बार जो ये लिस्ट हुआ था तो 26/7/2022 को हुआ था, और ये डबल बेंच पे लगा है जो कि ये आप कोर्ट जो जस्टिस है उनके नाम भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट डेट यहाँ पे लिखी है 17/8/2022, और ये कंप्यूटर जनरेटेड है, और मोस्टली यही होता है कि इसी डेट को जो है केस लग जाता है। तो ये जो थी आज की इन्फॉर्मेशन थी जो कि JBT केस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को।